हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इन हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट, यानी आप अपने मोबाइल का जो हॉटस्पॉट है, आप उसे अपने लैपटॉप में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन करना है सेटिंग ऑप्शन, तो यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन सर्च करें और ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिलेगा पोर्टेबल हॉटस्पॉट, आपको इस पर टच करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा पोर्टेबल हॉटस्पॉट, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपका हॉटस्पॉट चालू हो जाएगा। इसके बाद आप इसका पासवर्ड वगैरह देख लीजिए, आपको यहीं पे पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। ये हमारे पासवर्ड है 8x0, तो हमने इसे सेट कर रखा है। इसके बाद आपको जाना है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के विंडो ऑप्शन में, यहाँ पर आपको सर्च करना है सेटिंग, तो हम सेटिंग सर्च करते हैं। सेटिंग सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा सिस्टम, ब्लूटूथ, फ़ोन, नेटवर्क एंड इंटरनेट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा वाईफाई, वाईफाई पे क्लिक करें। वाईफाई पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको इसे अनेबल करना है, तो हमारा अनेबल है। शो अवेलेबल डिवाइस दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे इधर की तरफ आपके जो भी हॉटस्पॉट डिवाइस यानी वाईफाई डिवाइस होंगे आप आ जाएंगे। यहाँ पर हमारा वाला है विकास, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। कनेक्ट पर क्लिक करना है, पासवर्ड डालने को कहेगा, पासवर्ड डाल दीजिए, हम डाल देते हैं 8x0। नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है और आपको थोड़ा सा वेट करना है और फिर यहाँ पे आपका जो वाईफाई है कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वाईफाई दिखा रहा है, नो इंटरनेट सिक्योर, यानी हमारा जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो गया है, हमारे मोबाइल में नेट नहीं है, इसकी वजह से नो इंटरनेट दिखा रहा है। पर विकास नाम के वाईफाई से हमारा कंप्यूटर यानी लैपटॉप कनेक्ट हो गया है। तो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।